नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मी आज काम पर वापस लौट आए हैं। आपको बताते चलें कि आज 10वें दिन लखनऊ स्थित मिशन मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे के नेतृत्व में प्रदेश के 75 जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों ने डेरा डाल रखा था। आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों के मिशन कर्मियों को शालीमार पार्क में एकत्रित करके सामूहिक चर्चा के उपरांत 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिशन निदेशक से मिला, जहां प्रतिनिधिमंडल को मिशन निदेशक द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया कि मिशन में जिस कर्मी की नियुक्ति जिस तिथि से है उसके इंक्रीमेंट के देयता मानव संसाधन नियमावली लागू होने की तिथि को आधार मानते हुए से जोड़कर लागू किया जाएगा। इसके अलावा समस्त कर्मियों के समस्त भत्ते जिस माह से अवरुद्ध हैं उसी तिथि से निर्गत होंगे। साथ ही साथ नई नियमावली के प्रारूप से आलेखन में जिला एवं ब्लॉक स्तर से मिशन कर्मियों की सहभागिता भी की जाएगी। उपरोक्त मांगों को पूर्ण करने हेतु मिशन मुख्यालय से मिशन निदेशक भानुचंद्र गोस्वामी ने 22 मार्च 2022 तक का समय प्रतिनिधिमंडल समिति को दिया। वहीं उन्नाव जनपद के ब्लॉक मिशन प्रबंधक हेमेंद्र सिंह तोमर की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर उनकी आत्मा की शांति के लिए मिशन मुख्यालय में 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। आइए देखते हैं किस कर्मी ने क्या कहा लखनऊ से नवोदय प्लस टाइम्स की इस रिपोर्ट में। प्लस टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान, इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी लखनऊ के अंदर और यहाँ हमारे बीच में आप साफ देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन प्रबंधक, जिला मिशन प्रबंधक और आदि जो स्टाफ है वो हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। विगत आप सब लोगों को मैं बता दूं कि चुनावी माहौल चल रहा है और आज जो है पहले चरण का वोटिंग भी शुरुआत की कर दी गई है और इस घड़ी में जहां पर एक तरफ जो है प्रशासन जो है चुनाव व्यवस्था में लगा हुआ है, एक 2014 से लेकर 2013 के बैच के भी यहां पर कुछ लोग उपस्थित हैं जो अपनी जो उनकी समस्याएं हैं आज तक जो है 2022 चल रहा है उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और 31 तारीख से लगातार जो है कार्य बहिष्कार पर पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जो जनपद हैं, सारे BMM साथी जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। आज जो है इनको आज मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि परसों जो है इनके एक बीच का एक साथी का जो एक्सीडेंट हो गया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर लोगों ने मौन धारण भी किया है और यहाँ इनकी जो मांगें हैं, इनकी मांगों को लेकर जो संगठन के जो साथी हैं, जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उनकी वार्ता अभी जो है MD कार्यालय में चल रही है। आइए जानते हैं इस दुखी घड़ी में क्या पीड़ा उनके ऊपर गुजर रही है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे यहाँ के साथियों से। हमारे बीच में कुछ साथी हैं, अवश्य। क्या नाम है आपका? जी अरविंद कुमार सोनी नाम है। अरविंद भाई, क्या क्या समस्याएँ हैं, किस लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए? देखिए, समस्या ये है कि 2014 से ही हम लोग मिशन में कार्यरत हैं, बीच बीच में तमाम साथी और जुड़े हैं, तो 2014 से लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार का वेतन वृद्धि नहीं किया गया, जबकि इन्होंने HR पॉलिसी में इन सब चीज़ों का जिक्र किया हुआ और लिखित में MD साहब के साइन से वो चीज़ 2017 में आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक 2022 हो गया, किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे जो पेट्रोल 2014 में आपका 56 रुपये में था, आज 100 रुपया है। महंगाई की दर जो है आप देख ही रहे हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ चुकी है। लोगों का परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बीच में फिर इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली जिसमें तमाम लोगों को ये संशय हुआ कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जॉब ही चली जाए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों ने, पूरे 75 जनपद के सभी साथियों ने ये निर्णय किया कि हम लोग कार्य बहिष्कार के रूप में अपना आंदोलन जारी करेंगे, जिसकी वजह से फिर MD साहब ने भी उनको सब लोगों को बुलाया कि आप लोग क्या बात करना चाहते हैं। लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2014 से आज तक कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। सर, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं सबसे पहले ACS महोदय और MD महोदय, JMD महोदय और मिशन स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
और बहुत बहुत हम सभी मिशन कर्मी उनके आभारी भी हैं कि जिन्होंने हमारी मांगों को एक्सेप्ट किया, जो लीगली वे में जो एक्सेप्ट करने लायक था वो एक्सेप्ट कर लिया है और पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो उस एसीएस साहब का आभार व्यक्त करते हुए हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि हम लोग उनके दिए तिथि को निर्णय मानते हुए हम लोग काम पे वापस आ रहे हैं और मुझे आशा है कि हमारे मिशन स्टाफ के जो गार्जियन हैं उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया तो अवश्य रूप से पूर्ण होगा। एक एक बात और, मैं हमारे बीच में जैसा कि बताया गया है कि 75 जनपदों के जो है साथी यहाँ पर उपस्थित थे, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप लास्ट? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा अभिभावक जो है वो आकर के हम लोगों को पूर्ण तरीके से आश्वासन दे रहा है और हमारी बातों को पूर्ण तरीके से मान भी रहा है। तो मैं आप सभी 75 जनपदों से यही निवेदन करूँगा कि हम लोग शांतिपूर्वक जैसे पूर्व की बात हम काम कर रहे थे मनोयोग से पूर्व की बात काम पर वापस आ जाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात रखी है, देखते हैं इस लड़ाई का आखिर में क्या इसका जो है वो निकलता है, क्या सार निकलता है, क्या इस लड़ाई का जो है अभी जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि चुनाव का वक्त है और अधिकारी भी जो है व्यस्त हैं, लेकिन आखिरकार ये जो लड़ाई लड़ी गई है, जो 75 जनपदों के लोग एकत्रित हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है, इस लड़ाई का आखिरकार जो जिनकी जो मांगें हैं अभी इनको आश्वासन दे दिया गया है, लिखित तौर पर अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखते हैं आखिरकार ये मुहिम जो है जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने चलाई है, ये आखिरकार इस लड़ाई का जो जब इनको जो इनकी मांगें हैं वो मांगें इनकी पूरी हो जाएं और इनके जो अधिकार हैं वो इनको मिल जाएं तब हम मानेंगे कि ये लड़ाई पूरी हुई है। मैं शाहिद खान, नवोदय प्लस टाइम्स के लिए लखनऊ से, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।